नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। देश मना रहा है रंगोत्सव, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी रात चौकस रही पुलिस, SP ने लिया धनसोई वही टाढ़ी थाने का जायजा। पंचायत निकाय के रिक्त 34 पदों पर जल्द होंगे चुनाव। होली पर गांव के मंदिरों में पारंपरिक गीतों पर झूमे लोग। प्रशासन ने 625 लाइसेंसी शस्त्र धारकों को जारी किया नोटिस। मादा के युवक ने शुरू किया सत्तू का स्टार्टअप, 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च। बक्सर की 3 बेटियों को लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा किया गया सम्मानित। संत जियर स्वामी जी के सानिध्य में पारंपरिक होली गायन का आयोजन। काम धेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी, संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज 8 मार्च की तारीख है और जिले ही नहीं पूरे देश में होली का त्यौहार रंगोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को भी बक्सर खबर की टीम की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दृश्य सदर अनुमंडल कार्यालय का है, जहां एक दिन पहले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सदर SDM धीरेंद्र कुमार मिश्रा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों की टोली भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इसी तरह जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित कराया गया, जिसमें यह एक झांकी है MP हाई स्कूल की, जहां सामाजिक कार्यकर्ता रामजी सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्य पार्षद बबन सिंह ने क्या ठुमके लगाए, जिसे देखकर लोग वाह वाह कर उठे। अब नजर डालते हैं बुलेटिन की दूसरी सुर्खी पर। होली में लोग हुड़दंग और मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह चौकस है। बीती रात SP दीपक बर्णवाल समेत पुलिस पदाधिकारी जिले के सभी चौक चौराहों पर मुस्तैद दिखे। स्वयं SP धनसोई और इटाढ़ी थाने का जायजा लेने भी पहुंचे। सूचना के अनुसार उन्होंने यहां के थानेदारों को 8 मार्च के दिन भी पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले में अमन चैन बना रहे। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है। समाहरणालय द्वारा सूचना जारी की गई है, जिले के 34 रिक्त पंचायत निकाय के पदों पर जल्द ही चुनाव होंगे। इसके लिए मतदाता सूची का विखंडन का कार्य 13 मार्च से प्रारंभ कर दिया जाएगा। 28 को प्रारूप का प्रकाशन होगा, फिर दावा आपत्ति का सिलसिला चलेगा। 24 अप्रैल को विधिवत मतदाता सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से कर दिया जाएगा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, गांव के मंदिरों में पारंपरिक होली गायन की परंपरा आज भी जीवित है। यह सदर प्रखंड के मझरिया गांव से हमें एक वीडियो एक पाठक ने भेजा है। आप जब इसको सुनेंगे तो गीत तो आपकी समझ में नहीं आएगा शोर की वजह से, लेकिन धुन सुनकर आपको आनंद की अनुभूति होगी। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, जिला प्रशासन ने 625 लाइसेंसी शस्त्र धारकों को नोटिस जारी किया है। सूचना के अनुसार जिलाधिकारी ने इसका निर्देश जारी किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1200 लाइसेंसी शस्त्र धारकों ने सत्यापन नहीं कराया था, इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, लेकिन शेष ने समय रहते इस कार्रवाई के तहत अपना जवाब दायर किया। लेकिन 625 ऐसे लोग हैं जो अभी तक जवाब दायर नहीं कर सके हैं, इन्हें अंतिम समय 25 मार्च तक का दिया गया है। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, मादा के युवक नीतेश कुमार ने सत्तू को लेकर नया स्टार्टअप शुरू किया है। इन्होंने 2 पैकेट लॉन्च किए हैं, एक 200 ग्राम में लिट्टी चोखा का स्पेशल सत्तू और दूसरा छोटा सत्तू पीने के लिए। 60 ग्राम का यह छोटा पैकेट महज 10 रुपये में मिलेगा और इसमें पुदीना वगैरह भी डालकर रखा गया है, अर्थात पानी में डालो, नमक के साथ पी लो। इसकी एक विशेष रिपोर्ट भी आज हम आपको प्रस्तुत करेंगे अपनी साइट पर। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है, बक्सर की 3 बेटियों को IPS विकास वैभव द्वारा स्थापित की गई संस्था लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा महिला दिवस पर 5 मार्च को सम्मानित किया गया। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रोही सिंह, विनीता राय एवं जया भारती
मक्सर की इन तीन बेटियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुलेटिन की आठवीं सुर्खी है, पूज्य संत जीयर स्वामी जी के सानिध्य में आरा के सिमरिया गांव में होली की पूर्व संध्या पर पारंपरिक होली गीतों का गायन कार्यक्रम आयोजित कराया गया। आप इतना तो जानते ही हैं, आज जो भी व्रत त्यौहार और पारंपरिक सनातनी परंपराएं हैं वह ऋषि महात्माओं की देन है। उसी परंपरा को जीवंत रखते हुए पूज्य संत जीयर स्वामी जी के सानिध्य में इस गांव के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से होली गायन में हिस्सा लिया और वह भी बिल्कुल साफ स्वच्छ पारंपरिक परंपरा के अनुसार। इसकी एक छोटी सी झलक यहाँ आप देखिए और धुन सुनिए। अब चलते चलते एक छोटी सी जानकारी, बक्सर खबर प्रत्येक रविवार को अपने साप्ताहिक कालम दिव्य दर्शन के तहत आपको आध्यात्मिक क्षेत्रों, मंदिरों आदि के बारे में जानकारी देता है। इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।